ये मैं इसको ये कर क्या करता हूँ, ये मैं ये बताना है। अच्छा, जो आपके मुरीदीन है वो आपसे दम दुरुस्त मेरे मेरे माशाल्लाह छह बेटे हैं, बेटियां भी हैं, मैंने शादी भी की है, बेटियों की भी शादी की है, खाते पीते घरों का अल्लाह का शुक्र है। मरीद हमारा कोई नहीं, मरीद हम आप मरीद है, हम आप मरीद है, कौन सा मरीद है किसी का? आप कह रहे हैं बस हम छह सात आदमी उधर से आए हैं जुमार के, ये सारे कलंदर से आए हैं। आप उनके अपना ऑफिसर हैं? ऑफिसर हैं। वो आपके मरीदीन हैं? दम दुरुद नहीं, मरीद हम दम तो मरीद नहीं करते। आपने कहा कि दम दुरुद हम नहीं करते यार, दम दुरुद हमारा ये इधर से स्वाद, ये जैसे खाक देते हैं वो खा लेते हैं, मौला अली माई दे देते हैं, नमक भी ऐसे दे देते हैं, बिस्मिल्लाह ये रहा। अच्छा, ये खाते हैं, कहते हैं बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अच्छा जी, दुआ फकीर दे रहे हम अल्लाह सख्तियाँ कर देते दूर, अल्लाह अल्लाह समाधान सबरे वली पीरा मौजदा दरिया तो खोलो रैम की गली, अल्लाह की जात ने बाबा जी राम दे रटे हुए सब चीजा रटे हुए, काश कि थोड़ा बहुत इस्लाम के आदमी भी रट लेते थोड़ा, यहाँ पे कम जाए। अपना काम करना है, खाने पीने का सिलसिला क्या होता है? का ये इधर चाय बना लेते हैं, चावल बना लेते हैं आलुआ वाले, तो सालन बना लेते हैं गाजरा गुजरा, कोई तो लंगर आ जाता है दरबार का वो खा लेते हैं। बच्चों का फिर कैसे चाचा? बच्चे हमारे काम करते हैं सारे, हाँ शादी शुदा है माशाल्लाह अपने घरों वाले। ये हमने पीर भुल्ले शाह बिंदी लगाई है अलफ। हाँ जी, ये तो निशान होते हैं हिंदुओं के, ईसाइयों? नहीं हम हिंदू नहीं, हम मुसलमान हैं। हम मुसलमान हैं, फिर आपका निशान? ये हमने ये सारी उम्र का लगाया है, अगर नेट पे चलता है मेरा। अच्छा, हाँ सारी उम्र का ये मैं बिंदी लगाता हूँ। इससे क्या सरकार का ये अलफ है हमारा? अच्छा, इसको लगाते हैं हम, ये पीर भुल्ले शाह का रीत है। ये बाली तो खबर आपको, ये भी बिल्लो पीर भुल्ले शाह की रीत है खबा पान बनवाना। अल्लाह के वली तो ये नहीं पहनते थे? ना पहनते थे, हम तो पहनते हैं ठीक है, हम अल्लाह के वली तो नहीं मान सकते, हम तो नौकर मान सकते हैं उनके, हम तो उनके नौकर मान सकते हैं, अल्लाह के वली तो नहीं मान सकते, ना पीर मान सकते हैं। मैं आज तेली बरादरी से तल्लक रखता हूँ, तेली बरादरी मलक तेली, ये मेरे पीर और मुर्शिद का खेत है। कितने अरसे से आप ये मलंग? साल हो गया, 40 साल। हाँ जी। अच्छा, मैं कह रहा था कि आप पांच वक्त की नमाज पढ़ते हैं, फजर की नमाज में जो है सुनते और फटने वाले हो तुम, कोई पता है जो भी हो बटी? मैंने तो आप ये हमने नहीं, तुमने जाके मस्जिद में सांप लेना है, उधर सांप ज्यादा हो जाए, मुझे पता नहीं ना, मैंने ताकि मैं आपको पूछूंगा, मैंने आपको बता दिया, मैं पाक नबी का कलमा पढ़ा, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं पढ़ी लिखी फैमिली का हूँ, मेरे मर्जी दिल की है। बात ठीक है, मुझे नहीं पता ना, मैं चाहता हूँ मुझे भी पता चले, ये जो लोग खड़े हैं इनको भी पता चले, ये मुझे भी नहीं पता चल रहा, ये नहीं, ये मुझे भी नहीं पता चल रहा क्या ये, तुम ये तो देखो ये क्या है। सर बात सुने, आप लोगों को दम दुरुद भी करते हैं माशाल्लाह, आप अल्लाह के जो वली हैं उनके दरबार में बैठे हैं, उनके मुरीद भी हैं, फिर लोगों के आप मुरीदीन भी करते हैं, सुबह में जो फजर की चार अपना है सुनते और फर्ज की। बाबा जी ये मौलवी से तुमने पूछना, मैं उधर ही चलता हूँ मौलवी के साथ। ये मौलवी सारा बताएगा तुझे, ले मैं इतना लंबा काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। बाबा जी केड़ा दम, बाबा जी हमको केड़ा दम दुरू किया, मैं तो बताया कि ये बिस्मिल्लाह करेंगे तो ये लोन खाएंगे, तो राम अल्लाह ने देना, मैंने क्या देना भाई, ये तो मेरा मच है बाबा जी, सब कुछ होता है, ये मुसलमान हम सब कुछ करते हैं, मगर बात ये है जो साहब लेना तुमने मौलवी से साहब लेना, मेरे से साहब तुम्हारा नहीं है, चले जाओ जी, तो जाने मैंने नहीं जानी, मेरा तुम्हारा साहब मौलवी के साथ होगा। बाबा जी मौलवी साहब प्यार से बैठो, ये जो मेरा साहब है ना, मेरे मुर्शिद ने अल्लाह ने मेरा लेना है, ठीक हो गया? अरे मानने वाले हैं, मेरे मानने वाले नहीं, बादशाह को मानने वाले, अल्लाह को मानने वाले, मैं भी अल्लाह को मानने वाला हूँ, मेरे को मानने वाला ये कोई नहीं, किसी को मनाया मैंने, मेरे को मानता है, अल्लाह को मानता है या फिर बादशाह को मानते हैं, मेरे से नहीं मानते। आप एक फौज के आला सलार हैं, बिस्मिल्लाह, ठीक है, बिस्मिल्लाह, आप वल्लाह खैर, इंशाल्लाह मैं यही करता हूँ, ये काम करने का मकसद है कि इंसान नेक बन जाए। हाँ जी ने, आप नमाज पढ़ते हैं, मैं ये पूछ रहा हूँ कि फजर की नमाज में कितनी सुनते कितने फर्ज होते हैं? ये अभी मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा, मौलवी से पूछूंगा फिर पता चलेगा, पहले तो आप पढ़ते हैं। हाँ जी, मुझे नहीं ना पता है, बता रहे हैं मैं बताऊँ, चले बाबा जी अब बता दिया तो क्या इनाम दोगे? सलाम बाबा जी, सलाम, सलाम तो मैं दो हाथ से करता हूं, आपकी अजमत को सलाम, आपकी अजमत को सलाम, दो सुन्नत दो नफल, फजर नहीं, ज़ोहर नहीं, असर नहीं, मगरिब नहीं, इशा नहीं, कोई नमाज नहीं पढ़ता,
जुलूस में नाच लेते फिरता बड़ा आया शेख। तुमने हमारे से बाबा इंटरव्यू लेना है, बताया सुबह की नमाज में दो सुनते और दो नफल होते हैं। बाबा जी के लिए ताली होनी चाहिए यार, बाबा जी के लिए ताली होनी चाहिए। अब इन्होंने ठीक बताया, ये मेरे बुजुर्ग हैं, ये मेरे बुजुर्ग हैं, आपके छोटे भाई बुजुर्ग हैं। बाबा दोबारा बता दें, दो सुन्नत और दो नफल वास्ते अल्लाह ताला के मुंह मेरा कावे शरीफ अल्लाहु अकबर। अच्छा अब दो सुनते हैं दो नफल ठीक बता अच्छा। बुजुर्ग ने बता दिया तो ठीक है बाबा जी, जो बता ठीक बता दिया, बुजुर्ग ने बता दिया तो ठीक हो गया बाबा जी, तो बुजुर्ग जो है बिल्कुल उनकी माननी है। सिगरेट आप पीते हैं? कौन से, कच्चे वाला या पक्के वाला? बस सारा कुछ चलता है भाई, सकला तो हराम है ना, पक्का भी चलता है कच्चा भी चलता है, हम बोली जाओ जो मर्जी बोली जाओ, हम तो ये चलता है हमारे पास। वली की दरगाह पे आप बैठे हैं और वो अजीम लोग जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं और लोगों को राह रास्त पे लेके आए, आप उनके दरबार पे बैठ के आप पक्के बूटी, हम बूटी भी पीते हैं, पक्का भी पीते हैं, कच्चा भी पीते हैं, लंगर भी खाते हैं, सब कुछ खाते हैं अल्लाह की मेहरबानी से। गु भी खा लो, लेके जा जी, नहीं नशा की तरफ देखो किधर है, तुमने देखा इस गल का, तुमने यहाँ देता है, तुमने देखा अंकल जी बताए कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो, तुमने यहाँ दे दो सिगर पी लिया मेरी आंखें एक ही जगह रहेंगी। पढ़ो आपने? हाँ जी पढ़ा, कितना पढ़ा? मिला बड़े सारे माशाल्लाह पढ़े। अल्लाह के वली की दरगाह पे आप बैठे हैं, यहाँ पे आप फैसले ले हैं। हाँ जी बिस्मिल्लाह, मतलब देखे जो भी गुनाह है वो पाक बिस्मिल्लाह, आज से आप जिंदगी की नहीं गिनाते पाक, पक्की सिगरेट पी जाती है। बाबा जी 20 साल हो गए हमारे में गुनाह खत्म कर दिया अपने पास, जोर की बात मेरे पास आई नहीं, सिर्फ 200 सौदे खरीदने आए दुनिया के। 200 सौदे खरीदे हैं बाबा जी, कौन सा सवाल है? दो किस्म का सवाल है, दो किस्म का, हराम खाने वाला जन्नत में जाएगा या हलाल खाने वाला, मुझे सारी दुनिया खड़ी बताओ, मैं बताऊंगा, मैं बताऊंगा मेरे भाई को। जन्नत में हलाल खाने वाला जाएगा या हराम? बाबा जी ने बड़ी दिलचस्प बात कर दिया कि हलाल वाला जो है वो जन्नत में जाएगा, हराम वाला जो इधर रहेगा, पक्की सिगरेट पीना हराम है, इधर का नहीं है, ये एक सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, हराम खाने वाला जन्नत में जाएगा या हलाल खाने वाला, दो किस्म का सवाल, इसका मुझे आप जवाब दे। नशा भी हराम? मैं जो सवाल कर रहा हूँ उसका जवाब दो, सब कुछ हराम है, मेरे सवाल का जवाब दें आप। बता दिया कि हलाल वाले जन्नत में जाएंगे, अगर हराम ना भेजू तो मेरी माँ पे चूड़ा चढ़ा तुम्हारे सामने। इधर सुनो बाबा जी, एक मिनट, एक बच्चा पैदा होता है 5 साल का हो गया, किसी ने पत्थर मारा, गुस्सा आता है वो पी गया, उससे बड़ा हुआ किसी ने चंड मारी चुप कर गया वो भी पी गया, गुस्सा हराम है ना, और वो जब तक मरने से पहले तक वो ये चीज पीता रहा तो वो जन्नत में नहीं जाएगा तो कहाँ जाएगा? चिचा की लॉजिक अगर किसी को समझ में नहीं आई ना, खामोशी से बॉटल का ढक्कन लियो उसमें पानी डालो मर जाओ रुक के, चिचा क्या बोले मालूम, गुस्सा हराम है ना, तो अगर एक इंसान गुस्सा पी के मर गया तो हराम हराम मौत हुई ना उसकी। वाह इन लोगों का इल्मी लेवल देखो। ठीक है बाबे जी, जी बात है वो क्लियर कर दिया है। अच्छा बाबा जी बात को हम खत्म करते हैं, मैं आपको एक दो नंबर देता हूँ उस पर ये भेज दे। भेज देंगे जी, भेज देंगे, चले जी बात हुई खत्म जी, ये हालात है। तो बहरहाल ये पीरी मुरीदी का सिस्टम ऐसी पूरा फ्रॉड रहता है, एक दूसरे पैसे खाते, ये पीर अपने मुरीद को मार देता कहीं आगे जाके मेरा मतलब मेरे को मार के अपन मर जाएगा, और बहरहाल मुरीद अपने पीर कुछ मार देता खुद पीर बनने के वास्ते, खुद गंदगी है इन लोगों में, किसी का सगे नहीं है, जिसको कलमा नहीं आ रहा, जिसको कुरान की आयत पढ़ो बोले तो नहीं आ रहा, सूरह पढ़ो बोले तो बड़े सूरह सुनाते बोल के ना खुल का सूरह सुना रहे, माशाल्लाह से सिगरेट ना पी रहे, गंदे नशे कर रहे, इन लोग पीर बने हुए, फ्रॉड है पूरा पूरा फ्रॉड है, और पब्लिक बन रहे भी। चले अल्लाह हाफिज़, ये थी वीडियो एंड अपनी, अगर मज़ा आया तो लाइक करो, वो टाइम के बाद आया बहरहाल मई अपने चैनल पे वापस आ जा रहा लाइक करने में, ठीक है 2 मिनट लगते लाइक करने में। चले अल्लाह हाफिज़।